हेलो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या आते हैं आप लोगों के लिए मैसेज। मैसेजेस क्या है, हमारे प्यारे से धनु जी का नाम लेके हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। वीडियो की थंबनेल देखे पता चल ही चुका है कि आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मैसेजेस करते हो, डीएम करते हो, कमेंट सेक्शन में बताते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों के साथ मैसेजेस रेजोनेट होती है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए हमारे प्यार से गणेश जी का नाम लेके हम लोग की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, पहले टैरो डेक से देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। थैंक यू सो मच। करेंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की तरफ से, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसको आप स्वीकार करें, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है वो आप दूसरों के लिए छोड़ दें। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड जो आया है वो है द फूल का कार्ड। पहले कार्ड्स ले लेते हैं। वाओ, यहाँ पे टू कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पहली बात तो यह है कि आपका पार्टनर जो है वो एक नया शुरुआत करना चाहता है आपके लिए, अपने लाइफ में। ठीक है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिखा रही है। एंड उनका इमोशन जो है वो चेंज हो रहा है। पहले जैसे वो थे ना, वो अब वैसे नहीं है। बहुत चेंजेस हो रहा है। अब अपने पार्टनर के अंदर पॉजिटिवनेस भी थोड़ा देखोगे आप। आपके लिए जो लोग कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो लोग नहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कि आप लोगों के लिए आपका पार्टनर ना टेंड्स टू यू, मतलब आपके तरफ आ रहे हैं। यस, टेंड्स टू यू। यहाँ पे सबसे बड़ी जो काम कर रही है वो है माफ़ी। आप अपने पार्टनर को दिल से माफ़ कर रहे हो, दैट्स वाई वो पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। क्योंकि जितना आप हेट्रेट करोगे, जितना आप उनके साथ मन में ही उनके साथ लड़ाई करोगे, वो पर्सन और दूर होता जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं। आप दोनों स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो, जिस वजह से बहुत बार ना आप दोनों के बीच तकरार आते हैं, आप दूर हो जाते हो, फिर आप कनेक्टेड होते हो। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक बार दूर हो गया तो आप वापस नहीं आए। ऐसा बहुत बार हुआ है कि आप दोनों के बीच शायद 2-3 महीने बाद बंद है, फिर कनेक्शन बना, फिर आप दोनों दूर हो गए, फिर कनेक्शन बना। ये चीज़ बहुत हुआ है आपके साथ। आपका जो पर्सन है वो टीम वर्क करना बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा लड़कियों में भी फेमस है, लड़कियां ज़्यादा पसंद करते हैं उनको, उनकी नेचर की वजह से, उनका बात, उनका बोलने का जो ढंग है उस वजह से होता है ये चीज़। थैंक यू। आप यहाँ पे आपका पार्टनर ना आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट जाने के बारे में सोच रहे हैं। वो ज़्यादा घर में नहीं रह सकते, रहते भी नहीं है। वो बहुत दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, घूमना बहुत पसंद करते हैं, घूम भी रहे हैं राइट नाउ। अभी वो शायद आउट ऑफ एटलीस्ट स्टेट तो है, कहीं और घूम रहे हैं।
उसके उनके कंधों पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं पहले से। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना उनका एक उनको मज़ा आता है उठाने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो और ज़्यादा हो गया है उनके लाइफ में। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मन में एक बहुत डर भी है जो कभी कभी बाहर आ जाते हैं, वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते, और ये चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से आया है। मतलब बचपन में ऐसे बहुत सारे वूंड्स हैं जो कि अनहील्ड होके बैठा हुआ है, जो कि एक्सेप्टेड नहीं किया गया है उनको, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको वो हील नहीं कर पाए। बहुत बचपन में ही हुआ है उनके साथ। डेफिनेटली उनका ऐसा पर्सन है जिनको वो बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे, वो पर्सन उनको छोड़ के चले गए, चाहे उनका दादा या दादी हो जाए, नाना नानी हो जाए, या उनके मम्मी पापा हो जाए, ऐसा कुछ है जिस वजह से बहुत बचपन में वो इंसान इनको छोड़ के चले गए हैं। तो ये ना एक अंदर ही अंदर घुटन में रहते हैं, बताते नहीं हैं इजीली, बट रहते हैं। उनको गरम चीज़ खाना बहुत पसंद है, मतलब कोई भी खाना ना वो गरम बहुत पसंद करते हैं, ठंडे चीज़ वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ठंडी जगह पे जाना वो बहुत पसंद करते हैं, जैसे माउंटेन एरिया में, पहाड़ी एरिया में वो जाना पसंद करते हैं, लेकिन वो खाना भी बहुत गरम पसंद करते हैं, ज़्यादा ठंडी खाना वो पसंद नहीं करते। यहाँ पे डेफिनेटली उनके फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है जो कि प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक तो लवर्स का कार्ड आ गया है, तो यहाँ पे आप दोनों जो आप दो पर्सन हो ना, वो बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन हो, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्टेड पर्सन हो, स्पिरिचुअली आप एक दूसरे के साथ इतना इन्वॉल्व्ड हो कि क्या ही बताएं। थैंक यू सो मच। आपका पार्टनर राइट नाउ मोमेंट में वो सारा का सारा काम कर रहे हैं जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को करना चाहिए। अपने बॉडी के ऊपर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, बट बहुत कम परसेंटेज में। अगर आप ज़्यादा थर्ड पार्टी के ऊपर ध्यान ना दो तो वो वैनिश हो जाएगी कुछ ही दिनों में एकदम। आपके पार्टनर, आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत याद करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं, बिल्कुल 24/7 में बहुत याद करते हैं आपको, लेकिन वही चीज इनका जो है डर, इनके मन से डर नहीं जा रहा है अभी भी। थैंक यू। ओके चलिए देख लेते हैं मूनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आपके साथ आपके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बात आपको मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आपका जो पार्टनर है ना, वो एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान है। यस, वो अच्छे इंसान है, लेकिन सिचुएशन की वजह से ना वो ऐसे ऑफ बिहेव करते हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यहाँ पे आपको रिलैक्स होने के लिए कहा जा रहा है कि आप सामने वाले के एक्शंस देख के ना बहुत रिफ्लेक्ट कर देते हो। नो, होल्ड योर विजन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि होल्ड योर विजन।
सी मैंने कहा यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सिंपल बात है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बहुत बढ़िया बात है। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके मन में भी डर है और वो डर उनके मन में भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्क थ्रू योर फियर्स, यहाँ पे कोई डर नहीं है, डर को जीतना सीखना पड़ेगा, ठीक है। डर भी तो कोई सिचुएशन के वजह से आया है ना, लेकिन वो सिचुएशन फ्यूचर में भी होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। कम्युनिकेशन इज द की, आपके साथ आपके पार्टनर का ना क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब सपोज आपके साथ आपके पार्टनर की कोई बात हुई, आपको कुछ बुरा लगा, आपने सामने वाले को बोला ही नहीं, झगड़े के तरीके से नहीं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, डोंट डू दैट, तो यहाँ पे वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, आपको पसंद नहीं आया, आप चुप हो गए, अच्छा ठीक है, लेकिन वही चीज़ अंदर ही अंदर घुटन में बदलती हुई गई, जब बाहर आया तो वो ब्लास्ट कर गया। थैंक यू। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन के लिए कहा जा रहा है, जब आप मन में भी, जनरली हम मन में भी बात करते हैं ना, हमारा मन भी बात करता रहता है कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, यू, तो वो जो मन में हम बात करते हैं वहाँ पे भी आपको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करनी चाहिए। टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आपका जो पार्टनर है वो एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है, जो अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं करियर में। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, यस, आप दोनों के लाइफ में क्रिएटिव आइडियाज भी आएंगे, न्यू एडवेंचर्स भी आएंगे एंड फ्रेश स्टार्ट भी है यहाँ पे। योग, फीलिंग टायर्ड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हो रहा है तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होती है, सो फ्रस्ट्रेटेड नहीं फील करना है। क्रिब, बर्थ और कॉन्सेप्शन ऑफ ए चाइल्ड और एंटरप्राइज, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे सन का कार्ड आया तो डेफिनेटली कोई प्रेग्नेंट है एंड यहाँ पे डेफिनेटली आपका पार्टनर जो है वो नया कुछ स्टार्ट करने जा रहा है, बिजनेस वगैरह डेफिनेटली है कि कुछ अपने लाइफ में, या वो अपना जॉब करना स्टार्ट कर रहे हैं या जॉब चेंज कर रहे हैं या जॉब से बिजनेस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बर्थ ऑफ मतलब बर्थ और कॉन्सेप्शन ऑफ ए चाइल्ड है डेफिनेटली। फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिक्योर, ओके इनसिक्योर, यहाँ पे फेदर आया है तो पहली बात तो मेक अ विश, यहाँ पे फेदर आया है आपके लिए, यहाँ पे अनडिपेंडेबल है, यस, आपका पार्टनर ना अनडिपेंडेबल है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो चाहते हैं कि सब उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, ये उनका एक सोचने का तरीका है। तो यहाँ पे फेदर का कार्ड आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कहा जा रहा है मेक अ विश, यस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट देखेंगे टैरो कार्ड से ही, थोड़ा डिफरेंट कार्ड से देखेंगे और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है आपको आपके पार्टनर के फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। वो ना बहुत पुराने चैट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे थे आपके साथ सब कुछ वगैरह, वो पुराने चीज़ों को बहुत याद करते हैं, जब सब कुछ नया नया था, उनको लगता है कि काश वो नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, या आपके पार्टनर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन में है, लूप में है, चीज़ें होती है बट कहीं आके अटक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है आपको भी आपके पार्टनर को भी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप येलो कलर का ड्रेसेस पहनना स्टार्ट करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आपके पार्टनर भी बहुत जल्दी आपके साथ यूनाइट हो जाएंगे, यस। और आपको कहा जा रहा है कि एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एक रूटीन फॉलो करने के लिए, ठीक है। या आपके पार्टनर आपके तरफ फुल इमोशंस के साथ आ रहे हैं, वो अपना कदम बढ़ा चुके हैं, पूरी मूवमेंट में नहीं है बट एटलीस्ट वो सोच चुके हैं कि यस आपके तरफ आना ही है, उनको आप ही है वो पर्सन। वैसे भी यहाँ पे वाओ, यहाँ पे अगेन फूल का कार्ड आया है सी, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों के बीच एक न्यू क्रिएटिव स्टार्ट है, पुराना कोई पैटर्न
रिपीट नहीं होगा, न्यू स्टार्ट है एकदम से। पुरानी बातों को भूलने के लिए कहा जा रहा है। अगेन फाइव ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, यहाँ पे अगेन फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बैटल्स, ये सारे चीज़ों को ना आपको भूलना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट बैटल करके आप किसी के माइंड को जीत नहीं सकते, किसी को खुश नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये चीज़ गलत है, ये और दूरियाँ बनाती है। हायर ऑफेंट, यहाँ पे हायर ऑफेंट का कार्ड क्या है? ओके, एक तो यहाँ पे कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे ट्विन बेबी होने के चांसेस दिखाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपको कोई गाइड मिलेगी, गाइडेंस के लिए कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। रिलेशनशिप के, जब आपके साथ आपके पार्टनर की अगेन रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगी या डायरेक्ट मैरिज की प्रपोजल आएंगे आपके लिए, तो उस वक्त आपको क्या रिएक्शन देना है, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, वो सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा। हायर स्टडीज़ है आपके पार्टनर के लिए कि वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। स्टडी का मतलब सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई नहीं, स्पिरिचुअल विजडम भी उनका बढ़ रहा है, तो ये भी है। थैंक यू सो मच। ओके, तो यही कुछ मैसेजेस है आपके पार्टनर के फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि और किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखनी है, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। ओके, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं कोई नई रीडिंग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।